नगरी निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी प्रक्रिया जहां तेज हो गई है हर जगह, तो वहीं पार्षद के उम्मीदवार वार्डों में सक्रियता बढ़ा चुके हैं। इस बीच मुंगेली के नगरपालिका क्षेत्र मुंगेली के परमहंस वार्ड के सैकड़ों परिवारों के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से नगरीय एवं जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नगरीय प्रशासन के द्वारा परमहंस वार्ड के सचीपुरम कॉलोनी अवैध घोषित किया गया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 10 सालों से यहां निवासरत लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके चलते लोग यहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और इसके बाद भी 10 सालों में नेताओं के द्वारा चुनाव के समय आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया गया, यही वजह है कि अब चुनाव बहिष्कार जैसे वो कदम उठाने जा रहे हैं। में नगरी निकाय चुनाव को लेकर डंका बज चुका है और मुंगेली जिले से पहली खबर आ रही है जहां पर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। ये खबर है मुंगेली जिले के परमहंस वार्ड के उस कॉलोनी के जिस कॉलोनी को नगर पालिका ने अवैध करार दिया है और स्थिति यह है कि अब मूलभूत सुविधाओं से वंचित पिछले 10 सालों से यहां के वार्ड वासी भुगतते आ रहे हैं और ये इन्होंने निर्णय लिया है कि यहां के जो भी नेता आएंगे उनको खाली हाथ लौटाया जाएगा और ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया है और इन्हीं सब बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। वार्ड के यहाँ के पीड़ित जो मूल निवासी है वो लोग हमारे साथ है, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि आज ये निर्णय लेना पड़ा चुनाव बहिष्कार का। देखिए वजह जो है स्पष्ट है, निश्चित रूप से यहाँ जो मतदाता रह रहे हैं वो वैध मतदाता हैं, तो वैध मतदाता जहाँ रह रहे हैं वो जिस स्थान पर रह रहे हैं जो उनका जहाँ पे उनका निवास स्थान है वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं यदि नहीं है तो निश्चित रूप से उनमें निराशा तो आएगी ही आएगी। वहाँ पे यदि रोड नहीं है, नाली नहीं है या अन्य सुविधाएं जैसे कि पानी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था हमको सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो काफ़ी आती है। और होता क्या है कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो जो चुनाव के जो अन्य दलों के प्रतिनिधि, सभी दलों के प्रतिनिधि है जो भी आते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हाँ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इन सुविधाओं को दिलाने की कोशिश करेंगे, बड़े स्तर पर जाएंगे, यदि कुछ नियम कानून के विरुद्ध भी यदि यहाँ कुछ ऐसा कॉलोनी बन गया है तो भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन भी मिलता है। लेकिन उन आश्वासनों के बाद ये होता है कि चुनाव जैसे ही होता है नेता चुने जाते हैं उसके बाद फिर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ चुनाव निपटाने के लिए प्रशासन के अधिकारी मान मनोबल करती है या फिर वाकई में समस्या जो है उसका निराकरण करने में ये लोग गंभीर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए रोहित कश्यप। रोहित, यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है, क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से अब तक इन्हें मिला है या क्या समझा बुझाया गया है कि आखिर जो इनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी इस बार वोटिंग करें, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पहल की गई? मुंगेली शहर में अवैध कॉलोनाइजरों की भरमार है और इन कॉलोनाइजरों के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है वो भी धड़ल्ले से। कई बार शिकायत नगरी प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के समक्ष पहुंची है, इसके बावजूद इस मामले में आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ऐसे कार्यों पर अंकुश लगने के बजाय धड़ल्ले से काम चल रहा है और इन्हीं के जो कारगुजारियों का भुगतना यहाँ सचिपुरम के वार्ड वासी आज भुगत रहे हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ के लोग सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए तरफ रहे हैं और चूंकि नगर पालिका प्रशासन ने इस कॉलोनी की अवैध घोषित कर दिया गया है, जिसके पीछे नगर पालिका के प्रशासन दलील देती है कि टाउन एंड कंट्री नियम फॉलो कॉलोनाइजर के द्वारा प्लाटिंग के दौरान नहीं किया गया था, जिसके चलते यह अवैध करार दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव बहिष्कार कर दिया गया है जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ लिया है और वार्डवासी मांग भी कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई हो, जिस तरीके से आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अभी न तो नगरी प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है और न जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश है। वही जो पार्षद के दावेदार है वो लगातार यहाँ के लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, किसी तरीके से वो मान मनोबल करना चाह रहे हैं या उनके पक्ष में प्रशासन के सामने जाकर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावटी बात है, ये सबको पता है और मोहल्ले के जो लोग परमानेंट यहाँ पर सोल्यूशन चाह रहे हैं, परमानेंट निराकरण हो उनकी समस्याओं का, ना कि सिर्फ चुनाव के समय में उन्हें बातों के जरिए फंसाया जाए और लोग लुभावन बातें देकर वादों में फंसाया जाए और बाद में फिर स्थिति जो कहते बनी रहे। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रोहित।